हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4 ऑफ द चैप्टर कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। इलस्ट्रेशन 3 इज अबाउट शार्प लिमिटेड विच वाज फॉर्म्ड ऑन 1st December 2019 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। 5 लाख रुपीस की टोटल कैपिटल थी, एक शेयर 10 रुपीस का था, तो इस अकॉर्डिंग शार्प लिमिटेड अपने लाइफ टाइम में 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है और 50,000 शेयर्स के 80% शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए गए, मतलब पब्लिकली इशू कर दिए गए। सो दैट विल बी 40,000 रुपीस। टोटल 50,000 शेयर्स हैं। अगर हम 50,000 शेयर्स का 80% करें तो देन इट विल बी 40,000। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलो। अब देखो कंपनी ने पैसे कैसे मंगवाया। 30% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन। पहले 30% तो एप्लीकेशन के साथ ही भरने हैं। एप्लीकेशन मतलब जब लोग शेयर्स खरीद रहे हैं उस वक्त कितने पैसे भरने हैं, 30% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का 30% मीन्स 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन के साथ, और फिर 20% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब बाद में मंगवाया गया, जब उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए गए, उनके शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए गए। जब शेयर्स उनके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे तब उन्हें 20% ऑफ द फेस वैल्यू मतलब 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ पे करने हैं। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। और जो बचा हुआ बैलेंस है, देखो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिए, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ मंगवा लिए, बचे कितने, 5 रुपीज़। तो जो ये बचा हुआ बैलेंस है, ये जब ज़रूरत होगी कंपनी तब मंगवाएगी, और कंपनी ने अब तक ये बैलेंस मंगवाया नहीं है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर। कंपनी ने जितने भी शेयर्स ऑफर किए थे उन सबके लिए सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब सबने खरीद लिए, सारे शेयर्स बिक गए। द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। बट कंपनी को 3,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, और जो कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनती है, यानी कि एक वर्टिकल फॉर्म में बनती है। इट इज़ उसको हम कहते हैं स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो हम बनाते हैं ना वो कंपनी एक्ट के स्केड्यूल 3 के रूल के अकॉर्डिंग है। And also prepare notes to account. जब balance sheet बनानी है तो notes to account भी prepare करने ही है। Notes to account में हम first note number बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे capital के बारे में। First share capital, authorized capital. कितनी थी हमने अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पढ़ा, 5 लाख गिवन थी। इट मीन्स 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। सेकंड इश्यूड कैपिटल, एटी परसेंट ऑफ दिस शेयर इश्यूड कैपिटल में ये नहीं देखा जाता कि मंगवाए कितने अब तक कंपनी ने। देन थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हो सकते हैं, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और यहाँ पर एक ही पार्ट आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि जब कंपनी ने अब तक पूरे पैसे मंगवाए ही नहीं तो फुल्ली पेड अप का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। अगर कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे मंगवा लिए तब फुल्ली पेड अप आता है। 40,000 शेयर्स है, ठीक है, कितने मंगवाए हैं, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट। टोटल कितने रुपीज़ मंगवा चुकी है, 5 रुपीज़। इट मीन्स 2 लाख रुपीज़। बट रिमेंबर कॉल इन एरर। कॉल इन एरर का मतलब होता है
कंपनी ने तो पैसा मंगवा लिया बट अभी तक पब्लिक ने नहीं पे किया. और ऐसे कितने शेयर्स हैं? ऐसे शेयर्स हैं 3000 जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया. अलॉटमेंट मनी कितना था? 2 रुपीज़. 3000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ पे नहीं हुआ, इट मीन्स 6000 रुपीज़ अभी तक पे नहीं हुआ. तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है 1,94,000 रुपीज़. अब आएंगे हम बैलेंस शीट पर. बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आता है पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा नोट नंबर, फिर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर. अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो बेस्ट है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑन 1st December 2019, तो ये ईयर एंड कब होगा? 31st March 2020 को. और इससे पहले वैसे तो अभी तक कंपनी फॉर्म भी नहीं हुई थी, बट यहाँ सिर्फ डेट मेंशन कर देंगे 31st March 2019. अमाउंट, सबसे इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. फिर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे मेन हेड. मेन हेड है, इसके अंदर बहुत सारे मेन हेड आएंगे पर वन ऑफ द मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स. और शेयर होल्डर्स फंड में एक सब हेड है शेयर कैपिटल. दिस इज मेन हेड, दिस इज सब हेड. और शेयर कैपिटल में वो लिखते हैं जितनी मंगवा चुकी है और जितनी रिसीव हो चुकी है, 1,94,000. ये बैलेंस शीट हो गई और साथ में नोट्स टू अकाउंट. इलस्ट्रेशन 4, एक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. आउट ऑफ दीज 6000 शेयर्स वर इश्यूड टू वेंडर्स एज फुल्ली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिल्डिंग एक्वायर्ड एंड ₹3000 शेयर वर इश्यूड टू सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड. अब वेंडर्स कौन होते हैं? जैसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे बिजनेस उधार पर गुड्स खरीदते हैं, और वेंडर्स वो होते हैं जिनसे बिजनेसेस उधार पर एसेट्स खरीदते हैं. तो हमने एक वेंडर, एक्स लिमिटेड ने एक वेंडर से एक बिल्डिंग परचेज की थी, उसके बदले में 6000 शेयर्स दे दिए और वो फुल्ली पेड अप कंसीडर करके दिए. फुल्ली पेड अप मतलब ईच शेयर कितने का था? 10. तो 60,000 रुपीज़ के कंसीडर करके दे दिए गए. हाँ, अब ये भी शेयर कैपिटल ही बने कि जिसे शेयर्स दिए वो शेयर कैपिटल है और साथ में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हो रहेंगे, क्योंकि ये कौन से शेयर्स हैं? फुल्ली पेड अप. इसी तरीके से जो सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उन्हें भी 3000 शेयर्स दे दिए, इट मीन 30,000 रुपीज़ सिग्नेचरीज को दे दिए. 16 को दे दिए, 13 दे दिए, 90,000 रुपीज़ तो आ गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. अब आगे देखते हैं. द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड. अब कंपनी ने ₹6 मंगवाए हैं 19,500 शेयर पर और ये सारा पैसा मिल भी गया. बट देखो, कंपनी ने एक शेयर ₹10 का था, अभी तक मंगवाए कितने हैं? ₹6. ₹4 नहीं मंगवाए ना, तो जो ₹4 नहीं मंगवाए इस वजह से ये आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि अभी तक फुल्ली कॉल्ड अप ही नहीं है, मंगवाए ही नहीं है. और क्वेश्चन में बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं. बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर बैलेंस और अमाउंट, प्रीवियस ईयर बैलेंस और अमाउंट. इसमें हमें फर्स्ट पार्ट करना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. और इक्विटी और लायबिलिटीज का जो पार्ट है इसमें हम करेंगे फर्स्ट हेड जो है
shareholders fund. और इसका भी आगे सब पार्ट है शेयर कैपिटल. इस शेयर कैपिटल की डिटेल किस में देंगे? नोट नंबर वन में. तो यहाँ नोट नंबर वन लिखेंगे अबाउट शेयर कैपिटल. सबसे पहले कौन सी लिखी जाती है? ऑथराइज्ड कैपिटल विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीस दिए हुए हैं. ठीक है, तो टोटल दी हुई है ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपीस. और ये कैसे, एक शेयर कितने का? 10 का है. तो 1,50,000 शेयर्स एट रुपीस 10 ईच. सेकेंड बारी आती है इश्यूड कैपिटल की. देखो 6,000 वेंडर को दिए, 3,000 सिग्नेचरीज को दिए और 19,500 पब्लिकली दिए. तो कितने हो जाएगा इसका टोटल? 28,500. तो 28,500 मल्टीप्लाई विद 10 कितने हो जाएंगे? 2,85,000 ऑथराइज कैपिटल हो गई, इश्यूड कैपिटल हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल के टू पार्ट्स होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. और बी पार्ट होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. राइट, फुली पेड अप. देखो 6,000 जो वेंडर को दिए और 3,000 जो सिग्नेचरी को दिए, मतलब 9,000 तो पूरे फुली पेड अप माने गए थे. लिखा भी हुआ था क्वेश्चन में ये फुली पेड अप है. और बाकी जो हमने पब्लिक को इशू किए 19,500, अब तक पब्लिक से मंगवाए कितने? 6 रुपीज मंगवाए हैं और पूरे 6 रुपीज रिसीव भी हो गए हैं. तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वन लैख 17,000. 90,000 प्लस 1,17,000 2,07,000. शेयर कैपिटल कितनी है? 2,07,000. दिस इज अ बैलेंस शीट एंड उसके बाद हमें बनाना है नोट्स टू अकाउंट. So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt in any point, you can contact me. And as a homework, you have to complete practical questions. Thank you.